हाय माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ आशुतोष राणा। आज आप लोग के सामने एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है किंगडम फंजाई। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस वीडियो को पूरी तरह से नहीं देखते हैं, वो एक दो मिनट तक देखते हैं और वो बाकी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो भाई, आप अगर चाहते हो कि मुझे कुछ करना है इस जिंदगी में, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और मैं आप लोग के लिए थॉट लेकर आया हूं। आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो आज हम लोग इसी थॉट से हम लोग शुरुआत करते हैं एक न्यू टॉपिक का जिसका नाम है किंगडम फंजाई। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बताया था, उससे पीछे मैंने आपको बताया था मोनेरा के बारे में। मोनेरा में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किए थे, प्रोटिस्टा में हमने अमीबा के बारे में जाना था, पारामेशियम के बारे में जाना था, चप्पल लाइक स्ट्रक्चर आपने जाना था, आपने साल्ट लवर जाना था किंगडम मोनेरा में, साल्ट लवर हेलोफाइल्स। तो आज हम लोग जानने वाले किंगडम फंजाई। आपने फंगी का नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा अपने लाइफ में। क्या है भाई ये फंगी है क्या? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस न्यू वीडियो को। तो सबसे पहली बात, अगर आप फंगी के बारे में स्टडी कर रहे हो तो आपको यह जानना होगा कि स्टडी ऑफ फंगी क्या कहलाता है। तो चलो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ फंगी क्या कहलाता है भाई? तो यह कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है भाई? माइकोलॉजी। अब लोग स्टार्ट करते हैं भाई, ये ऑटोट्रॉफ्स है या हेटरोट्रॉफ्स है? इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है हमारे अंदर कि बहुत सारे कहते नहीं फंगी ऑटोट्रॉफ्स है, कुछ कहते हैं फंगी हेटरोट्रॉफ्स है, लेकिन ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं होता। आपको जानना होगा ये क्या होता है, हेटरोट्रॉफ्स, क्योंकि ये क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता, ये दूसरे पे डिपेंड होता है, और जो दूसरे पे डिपेंड होता है उसे हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। तो ये क्या भाई? हेटरोट्रॉफ्स है। चलो भाई हेटरोट्रॉफ्स। और हेटरोट्रॉफ्स तो है ही, लेकिन इसमें क्या आता है? तो सैप्रोफाइट्स। ये जनरली क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स होते हैं। भाई सैप्रोफाइट्स क्या है? सैप्रोफाइट्स वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करता है। डेड और डिकेइंग क्या है? तो सड़े गले पदार्थों पे फीड करता है, उसे हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइट्स। और अगर ये सैप्रोफाइट्स है तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये क्या भाई? डिकम्पोजर है। ये क्या है? तो डिकम्पोजर है। ये जनरली डिकम्पोजर होते हैं। भाई डिकम्पोजर क्या है भाई? तो आपने सुना होगा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस जो सड़ गल जाता है, सुना ही होगा। प्लास्टिक तो बायोडिग्रेडेबल है नहीं। लिप्स क्या है भाई? बायोडिग्रेडेबल है। हमारा स्किन क्या है भाई? बायोडिग्रेडेबल है। आपने सुना है ना कि सड़ गल जाता है ये। तो डिकम्पोजर हम उसे कहते हैं जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को सड़ाता गलाता है और मिट्टी में क्या कर देता है? मिला देता है। तो ये जो होते हैं डिकम्पोजर्स ये होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फंगस का, तो ये जो होते हैं इन्हें कहा जाता है नॉन ग्रीन प्लांट्स। क्या कहा जाता है? नॉन ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि अपना भोजन खुद बनाता नहीं। चलो भाई हम लोग इसे नॉन ग्रीन प्लांट्स भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फूड का। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लांटी। और आपने बचपन में पढ़ा होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। आप तो सुने ही होंगे। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स का या फिर एक फंगी का बात करें, तो ये फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। तो हम लोग यहां पर कहेंगे भाई कि they stored their food in the form of क्या भाई? तो ग्लाइकोजेन। चलो भाई इतना तो हम लोग जान लिए। अब क्या है कि जो फंगी होते हैं इनका जो बॉडी है वो पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, और वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनके बॉडी पे होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइफे। क्या कहते हैं? हाइफे। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? थ्रेड Like a structure present in their body
इन देयर बॉडी कॉल्ड क्या भाई हाइफे कॉल्ड हाइफे कॉल्ड क्या हाइफे। और एक बात और हमें जानना होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि आखिर हम एक फंगस के बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई माइसेलियम कहते हैं, क्या कहते हैं माइसेलियम। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कब की बॉडी ऑफ फंगस, बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसेलियम, इज कॉल्ड क्या भाई माइसेलियम। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका फंगी का, और हम लोग कुछ और भी जानते हैं इसके बारे में, तो आप लोग इसे नोट्स कर लें। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फंगी का। आपने सुना होगा पेनिसिलियम, आपने एग्जांपल सुना होगा। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और सबसे पहला एंटीबायोटिक जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। क्या नाम था, पेनिसिलिन। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में भाई कि जो पेनिसिलिन जो पहला एंटीबायोटिक है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है, वो किससे बनाया गया। तो ये फंगस से बनाया गया था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, और यही वो है पेनिसिलियम। अब बात करते हैं ब्रेड मोल्ड। इसके बारे में तो कौन नहीं जानता भाई, ब्रेड मोल्ड जिसको कहते हो भाई कि सर ब्रेड भुआ गया, इस टाइप का कुछ कहते हो। तो वो जो ब्रेड जो भुआ जाता है जिसको आप लोग कहते हो, वो किसके कारण होता है, तो ब्रेड मोल्ड के कारण, जिसे हम लोग कहते हैं राइजोपस। क्या कहते हैं भाई राइजोपस। इसका स्ट्रक्चर देखना, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो किसका भाई, ब्रेड मोल्ड का है। और इसमें कुछ और भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्या कि ये जो ब्रेड मोल्ड का ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आप जो देख रहे हो लोग पढ़ रहे थे कि ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम। और ये जो स्पोरेंजियम ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आप देख रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं स्पोर्स। क्या कहते हैं भाई इसे हम लोग स्पोर्स करते हैं, और इसी के मदद से ये रिप्रोडक्शन करता है। और आपने सुना ही होगा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपने सुना होगा स्पोर फॉर्मेशन की न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। तो यही है ब्रेड मोल्ड, जो स्पोरेंजियम ये जो कवरिंग है इसी के अंदर होता है क्या भाई स्पोर्स, और इसी के मदद से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। आपने मशरूम का भी नाम सुना होगा, खाया भी होगा, बहुत सारे लोग तो खाया भाई। तो आज हम लोगों ने पढ़ा किंगडम फंजाई के बारे में।